योजनाओं का बेहतर परिणाम दिया गया। पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर परिषद वार्ड संख्या 19 के खरमठ और ईमानदार प्रत्याशी ब्रजेश ओझा से हमारे संवाददाता इंद्रमणि दुबे की हुई खास बातचीत। इस बातचीत के क्रम में प्रत्याशी के द्वारा बताया गया कि कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, नली गली की सुविधाएं उन्होंने अपने वार्ड बॉसी को दिया और आगे की उनकी रणनीति क्या है वो हमारे संवाददाता को बताए हैं, जो देखिए आप। नमस्कार, वेस्ट चंपारण बिहार से मैं इंद्रमणि कुमार दुबे। आज कानूनी जंग की टीम आ पहुंची है रामनगर और रामनगर के नगर परिषद में, बारे में हम जानकारी लेंगे। और जो वार्ड नंबर 21 में इन्होंने उठा है, किस कारण से उठा है, इसके भी हम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से हम इनसे लेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल माने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल और आपको हमको बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। अच्छा सर, आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम ब्रजेश ओझा हुआ, मैं पहले वार्ड नंबर 19 का वार्ड पार्षद था। अच्छा सर, आप वार्ड नंबर 19 में क्या क्या काम को करवाया है? वार्ड नंबर 19 में मैं जब चुनाव जीत कर आया तो सबसे पहले विद्युतीकरण नहीं था, वहाँ पे विद्युतीकरण का काम कराया। पूरे मैंने वार्ड नंबर 19 में मैं रोड से लेकर नाली तक सब काम कराया। शौचालय लगभग हम 300 आदमी को दिए हुए हैं और घर का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें लगभग 165 आदमी को हम घर का आवास दे चुके। कितने परसेंट आपने आवास पास करो? लगभग मैंने आवास हम 60% लोगों को दे चुके हैं। और शौचालय सर? इसमें शौचालय लगभग 300 लोगों को। कितना परसेंट? 80%। और आपके इस वार्ड नंबर 19 में और क्या क्या अभी तक कार्य नहीं हुआ है सर, कि आने वाले जो भी होंगे उस कार्य को करवाएंगे? अच्छा सर, वार्ड नंबर आप 19 के पहले प्रत्याशी थे और अभी 19 नंबर वार्ड में क्या क्या कार्य आपके द्वारा हुआ है और क्या क्या कार्य अधूरा है? हमारे वार्ड में कोई कार्य अधूरा नहीं है और वार्ड नंबर 19 में मैंने रोड, नाली, पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय प्रत्येक व्यक्ति को दिया है हमने। अच्छा, क्या रीजन रहा सर कि वार्ड नंबर 19 से आप वार्ड नंबर 21 के तरफ प्रस्थान किया है? वार्ड नंबर 19 अब रिजर्व हो गया है, इसलिए जनता के मांग पर मैंने वार्ड नंबर 21 से अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको क्या लग रहा है वहां की जनता आपको किस पुरुष के रूप में देखना चाहेगी? वहाँ की वार्ड नंबर 21 के जनता मुझे विकास पुरुष के नाम से जाने जी। मैं चुनाव अगर जो जनता मुझे जिला जिताती है तो मैं। अच्छा सर, आपने वार्ड नंबर 21 में जब भ्रमण किया होगा तो वार्ड नंबर 21 में आपको देखने से भी क्या क्या कार्य हुआ है और क्या क्या कार्य अभी अधूरा है? वार्ड नंबर 21 में अभी तो कोई काम नहीं हुआ है, न प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को दिया गया है, न सही सड़क है कहीं, न नाली है, नाली का निकासी भी सही ढंग से उस वार्ड में नहीं हुआ है। आप वार्ड नंबर 21 के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड नंबर 21 के जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर जो वार्ड नंबर 21 की जनता मुझे विजयी बनाकर वहां पे लाती है तो मैं वार्ड का विकास करूंगा, प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाऊंगा, हर गली हर सड़क पे मैं नाली और पीसीसी सड़क का निर्माण कराऊंगा। कानूनी जंग न्यूज से मैं इंद्रमणि कुमार दुबे, कमलेश कुमार वर्मा के साथ।